उज्जैन पुलिस अधीक्षक सचिन अतुलकर के निर्देश में एसडीओपी शेरसिंह भूरिया थाना प्रभारी दिनेश प्रजापति के द्वारा दिए गए निर्देश के पालन में सोना चोरी कर ले जाने वाली चारों महिलाएं ग्राम भड़ा पिपलिया की रहने वाली है, उन्हें हिरासत में लिया है। दिनांक 19 अगस्त 2019 को फरियादी शरद कुमार जैन ने थाना बड़गर पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेरे सोने चांदी की दुकान का कार्य करता हूँ। 19-10-2019 करीब दोपहर 3 बजे अपनी दुकान से सोने के आभूषण चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसकी सीसीटीवी फुटेज की मदद से घटना में प्रयुक्त गाड़ी टवेरा रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च करने पर आरोपी जितेंद्र पिता रमेश मालवीय को पकड़ा, जिससे सख्ती से पूछताछ करने पर संलिप्त अन्य आरोपी बड़ा पिपलिया थाना बरोठा का नाम बताया। फरार महिलाओं दिनांक 20-11-2019 को रात्रि में विश्वसनीय मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर ग्राम बड़ा पिपलिया में दबिश देकर घटना दिनांक से फरार आरोपीजनों द्वारा महिलाओं को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10 सोने के आभूषण कीमत करीबन 60,000 रुपए बरामद किए तथा इसके पूर्व में भी इसके साथियों से करीबन 30 ग्राम सोना कीमत 1,25,000 जब्त तक किया जा चुका है। घटना में फरार अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। बड़नगर से शांतिलाल परमार की रिपोर्ट। 19 को शरद कुमार ने रिपोर्ट दिखाई थी कि उनकी ज्वेलरी शॉप से कुछ जेवर गायब हैं, जिस पर से रिपोर्ट लिखी गई थी, विवेचना की गई, सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारे थाना प्रभारी महोदय द्वारा जो है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन एवं एडिशनल साहब के निर्देशन में आरोपियों की पतारसी की गई, तो एक आरोपी पूर्व में पकड़ा जा चुका है इस मामले में, जिससे कि कुछ 13 आर्नामेंट्स जब्त किए गए थे। और उसी से पूछताछ पता चला था कि इस मामले में कुछ महिलाओं को भी की भी संलिप्तता है, जिस पर से लगातार दबिश दी जाती रही, मुखबिरों को सक्रिय किया गया और वो आरोपी महिलाएं गिरफ्त में आई हैं, जिनसे कि 10 नग सोने के जेवर जिनकी कीमत लगभग 60,000 बरामद किए गए हैं। पूर्व में भी 1,25,000 के लगभग रिकवरी हो चुकी है। इस मामले में शेष एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। सर, कितनी महिलाएं पकड़ी हैं और कहां से पकड़ी हैं? 4 महिलाएं पकड़ में आई हैं, जो कि देवास अपने भड़ा पिपलिया गांव है वहां से गिरफ्त किया। सर, जो इन्होंने चोरी करी थी सोने की रकम, वो पूरी बरामद हो गई है? हाँ, लगभग जो है, और बाकी कुछ माल बचा है उसके लिए भी एक आरोपी है, उससे पूछताछ कर पता रहे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।